बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक फिर से नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, पार्ट सेकंड इंटीग्रेशन का। तो आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को देखेंगे और उसके इंटीग्रल्स को देखेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रल्स का मतलब कि उन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, जिसके हेल्प से हम सारे फॉर्मूले लगा के और क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर पाए, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हमारे पास एक इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट, दिस इज आवर सेकंड वीडियो। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो फिर पहले जाए और फर्स्ट वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर देखें, आप नोट्स बनाए उस पे, उसके बाद तब आए सेकंड वीडियो पे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक चीज बताई गई है हमारे द्वारा, है ना। बहुत बेसिक से इंटीग्रेशन को हमने बताया है कि क्या होता है इंटीग्रेशन, क्यों यूज किया जाता है इंटीग्रेशन, है ना। और कुछ बहुत कॉमन रूल्स हैं जो कि पावर रूल है, जो हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1। हमने भी बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है सिंपल dx का या फिर सिंपल dy का क्या हो जाएगा, y या फिर dx हो जाता है सिंपली। थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन को आसान तरीके से कर देते हैं, ठीक है। उसके दो क्वेश्चंस भी हमने दिए थे, अगर आपने उस क्वेश्चन को किया अच्छे से तो फिर मैं इस पूरे वीडियो को लास्ट में उसका आंसर को दे दूंगा आपको, आप उसको चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। जैसे कि किसी ने बच्चे ने पूछा था कि सर अगर x टू द पावर माइनस 1 हो, है ना, और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्या n प्लस 1 वाले पे रूट पे करेंगे। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 आ रही है। अगर n की वैल्यू माइनस 1 आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, भाई ये भी जीरो आ गया, ऊपर भी जीरो, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बट ऐसा होता नहीं है, अगर x इनवर्स है या फिर 1 बाई एक्स है, उसी को तो लिखते हैं x इनवर्स, तो x इनवर्स है और अगर 1 बाई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन पावर रूल से नहीं किया जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 हो हमारे पास तो पावर रूल से हम कर सकते हैं, बट अगर वहां पे इनवर्स का केस दिया हो तो याद रखेंगे कभी हम पावर रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। उसका रीजन है आपको आगे जाके मिल जाएगा, है ना, वरना भी रीजन देने का कोई वो नहीं है। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला इंटीग्रेशन जो हमारे पास है, सबसे फर्स्ट केस जो है आज का, वो है इनवर्स, यानी कि अगर x इनवर्स हो या फिर 1 बाई x हो तो उसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, उसका इंटीग्रल क्या होना चाहिए, फिर क्या होगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू लॉग x एन प्लस c। c इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, देयर इज नॉट अ फिक्स्ड लिमिट, अपर और लोअर लिमिट क्या है, फिक्स्ड यहाँ पे नहीं है, जिसके चलते हम c लगाना पड़ा। दूसरा हमारे पास सेकंड वन इज साइन एक्स, है ना, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इनटू dx विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस c। यहाँ पर भी लिमिट नहीं लगी है तो c लगाते रहेंगे हम, जो अभी जो भी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, तो हमें हर जगह c लगाना चाहिए, ठीक है ना, हर जगह हम c लगाएंगे। थर्ड पे आते हैं हमारे पास है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इनटू dx will be equals to sin x plus c, and the fourth one is a sec square x, because sec x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, है ना। अगर sec x का इंटीग्रेशन करना हो तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किसी अदर फॉर्म में, ठीक है, तब हो सकता है, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया उसी को मैं रिवील कर रहा हूँ अभी, अगर इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मिल जाएगा। चलिए तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा tan x plus c। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट में है cos स्क्वायर x, दिख पा रहा हूं आपको, विजिबिलिटी क्लियर होगी, है ना। cos स्क्वायर x तो cos इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, cos स्क्वायर x * dx = क्या हो जाएगा, माइनस cot x plus c। सिक्स्थ पॉइंट है sec x into tan x का इंटीग्रेशन, है ना। चलो तो sec x into tan x का जो इंटीग्रेशन होगा, सिंबल लगाएंगे इंटीग्रल का,
अंदर में लिखेंगे sec x into 10x into dx, that will be equals to sec x plus c, है ना। इधर आपके 6 टाइप के फंक्शन हो गए और उनके इंटीग्रल्स हो गए। आगे चलते हैं हम 7th पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास 7th पॉइंट cos x into cot x, है ना। cos x into cot x का जो इंटीग्रल होता है वो हो जाएगा आपका, हमने इंटीग्रल का सिंबल यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था जिसके वजह से डायरेक्ट दिखाना पड़ा, यानी कि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ कि इंटीग्रल ऑफ cos x into cot x into dx will be equal to minus cos x plus c। एंड 8th वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू, इट कैन बी। हमारे पास है एक अलग टाइप का फंक्शन, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जो है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेस्ट टू द पावर n, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट में है और होल का पावर क्या है n है। अब इसको इंटीग्रेशन को कैसे यूज करें, तो इसके ऊपर पहले इंटीग्रेशन लगाते हैं, इनटू क्या करते हैं हम dx करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हो ध्यान से समझे पहले आप, है ना। अभी देखोगे नहीं स्किप कर दो वीडियो को, फिर आगे जाकर पूछोगे। देखो कैसे करें इसको, तो हमारे पास सबसे पहले क्या करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर n प्लस 1। पहला काम क्या करना है उसको लिख लेना है, है ना, और उसकी जो भी n की वैल्यू दी हुई हो, जैसे कि यहां पे मान लो 2 दे दिया तो 2 प्लस 1 दैट विल बी योर 3 यहां पे, ठीक है ना, अपॉन होल n प्लस 1 फिर यहां पे 3 एंड अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ d / dx ऑफ ब्रैकेट वाले फंक्शन का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे। आई मेरी बात समझ में, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करें पूरे फंक्शन का, तो n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1 कर देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होगा हमारे पास उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेस्ट टू पावर n प्लस 1 आ गया हमारे पास, है ना। अगला स्टेप इधर आया नीचे n प्लस 1 को छोड़ दिया हमने ऐसे n प्लस 1, लेकिन जब d by dx करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का तो क्या मिल जाएगा हमें, इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 2ax, इसका मिल जाएगा b और इसका मिल जाएगा 0। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेस्ट टू द पावर होल n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2ax प्लस b एंड होल प्लस c व्हिच इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर 8th फॉर्मूला, यू कुड राइट डाउन दिस। 9th प्रॉब्लम है हमारे पास कि अगर इंटीग्रेशन कुछ स्पेशल टाइप का यूं दे दे, है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है चूंकि आपके सिलेबस में आना नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मैं परिचित करा देता हूँ सारी चीजों से, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्म हो कि 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जो ये फंक्शन होगा हमारे पास कहाँ पे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, इंटू डी एक्स, दैट मीन्स, तो आप बोलेंगे आप इसका भी लॉग के तरीके से करेंगे, नहीं इसका हम लॉग के तरीके से नहीं करेंगे, इसका पहले कुछ स्पेशल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं उसके बाद लॉग लगाते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन एंड यू शुड पुट डाउन इन द डिनोमिनेटर इन दिस वे, है ना, आप इस तरीके से इसको पुट डाउन कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाई log e base a to that function n plus whole c। कहने का मतलब हमारे पास ये है, ये अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिया रहेगा, है ना, फंक्शन पहचानना सीख लीजिए पहले, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया रहेगा आपके पास तो 1 by क्या कर देंगे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे अपॉन में मल्टीप्लाई by log e base that function n plus c, है ना, दिस इज योर फॉर्म इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म। e to the power x का इंटीग्रेशन, इट मींस दैट कि सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन e to the power x, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ e to the power x into dx और इसका जो इंटीग्रल होता है हमारे पास वो मिलता है सेम वैसे ही जो जो ये सिंपल फॉर्म था, जो जनरल ओरिजिनल इक्वेशन था, वही हमारा इंटीग्रेशन में मिल जाता है
दैट मीन ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, 11th प्रॉब्लम पे आते हैं हमारे पास। 11th प्रॉब्लम है, अगर ई टू द पावर एक्स था तो भी देख लिया हमने, अगर ए टू द पावर एक्स और इंटू डी एक्स हो तो क्या होगा, है ना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अब बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे ई और ए में डिफरेंस क्या है, दोनों दो वावेल हैं, ऐसा पूछते हो तो सब क्वेश्चन नहीं बनता है। यहाँ पे ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस अपॉन लॉग ई बेस ए। ई टू द ए टू द पावर एक्स को लिख लेंगे सेम एज नॉर्मल एंड डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस ए, ओके एंड प्लस सी। ठीक है, इसको अगर लॉग को देखें तो एक प्रकार से और हम लिख सकते हैं, लॉग को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे, जैसे लॉग ई बेस ए है अगर ये ऊपर जाता है तो इनवर्स में होगा, और इनवर्स का मतलब क्या है कि लॉग ए बेस ई हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। दोनों डिफरेंस समझ पा रहे हो आप लोग, अगर ये ऊपर जाता है तो इसका इनवर्स होना चाहिए, बट इनवर्स होकर क्या बदल जाता है, ये कुछ ऐसा फंक्शन में क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा डी एक्स के लिए वो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस सी, दैट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर होल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे पास अब दो क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि f स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन करना है हमें, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 cos x स्क्वायर x माइनस 5 x प्लस sin x, इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना है, कैसे करें समझे इधर, है ना। उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, वो करके आना था नहीं कल। इंटीग्रल ऑफ किसका करना है, x स्क्वायर का, फिर क्या है आगे माइनस कॉस है x है प्लस 1 बाई x इन ब्रैकेट इनटू dx, ये करना है, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ध्यान देंगे आप, कोई लिमिट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं दिया होगा तो इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इनटू dx अलग अलग माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x इनटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x इनटू dx। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने तीनों चीज ली हैं, एक तो हमने सिंपल फॉर्म लिया x टू द पावर n वाला, दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिया, और तीसरा हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिया। तीनों फॉर्म को लेकर हमने क्वेश्चन को थोड़ा करना स्टार्ट किया क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। चलिए इसको बताएंगे आप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताओ, x टू द पावर क्या है 2 है ना, x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन होल 3, ये हो जाएगा इसका। एंड cos का हो गया क्या चीज, cos x into dx इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने बताया अभी क्या होता है sin x है ना, प्लस 1 by x into dx क्या होता है log x, एंड प्लस दिस इज योर इंटीग्रेशन है ना। और इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन तो एक प्रोसेस है लेकिन जो इसका इंटीग्रल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं i से, लिख देंगे i equals to x to the power 3 अपॉन 3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज योर टोटल सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई नाउ। एंड यहां पे है हमारे पास 3 cos x स्क्वायर x, ठीक है, तो 3 को हम बाहर दे लेते हैं। पहले तो हम सिंपल फंडा यूज करेंगे, 3 cos x स्क्वायर x माइनस 5 x प्लस साइन x इंटू dx, ध्यान से देखें इसको, नोट डाउन कर देंगे अपने क्वेश्चन कॉपी पे, ठीक है ना। चलिए अगला हमारे पास स्टेप क्या है, इसको सेपरेट करना, अलग अलग कर देते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए आगे के लिए। तो 3 cos स्क्वायर cos था ना जी, एक मिनट वेट वेट वेट, सॉरी फॉर दिस, cos स्क्वायर x था, 3 cos स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 5x इंटू dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन x इंटू dx, ये हो जाएगा हमारा 3 बाहर है ना, स्टेप वाइज कर रहा हूं मैं, ऐसे स्टेप वाइज आप भी करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x इंटू dx, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा x इंटू dx, और यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आएगा, सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब चलो आगे चलते हैं, है ना, टोटल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे चाहिए। ठीक है, तो 3
कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका माइनस थ्री कॉट एक्स माइनस यहाँ क्या हो जाएगा फाइव, और एक्स पावर वन है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो वन प्लस वन दैट इज टू एंड इन डिनोमिनेटर वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा आपका फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब होता है लास्ट आता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी विच इज टोटल इक्वल्स टू इंटीग्रल आई, ओके इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन थ्री एक्स, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको लगेगा बट एक बार बता दूंगा तो ट्राई बेस्ट करना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कुछ आप इस चीज को जानते होंगे, ये ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। चलते हैं पहले थर्ड वाले को करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। इंटीग्रल ऑफ थ्री कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन थ्री एक्स, ठीक है ना, टू साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, चलो सेपरेट कर लो भाई, थ्री कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से है ना, हमने इसको सेपरेट कर दिया है, फिर इंटीग्रल ऑफ टू साइन थ्री एक्स इंटू डी एक्स, चलो इसको कर लो भाई, थ्री को बाहर करो यहां से, बाहर हो गया इंटीग्रल ऑफ इसका कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस यहां से क्या बाहर होगा टू, इसी से कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट है बाहर होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि टू को भी बाहर कर देंगे और थ्री को भी बाहर कर देंगे, थ्री जो है 3x जो है वो फंक्शन के साथ है, साइन के साथ है, साइन के साथ जो फंक्शन है उसको बाहर नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट हमारे पास वैसे ही है 2 है, तो 2 बाहर में आ गया, अंदर में बचा साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, वॉइस क्लियर है। चलो 3 आ गए हम यहाँ पे 3 लेके है ना, और cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का भी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया माइनस cot x माइनस कॉट एक्स, चलो भाई है ना, अब यहां पे है आगे टू, अब यहां पे दो फंक्शन है, देखिए यहां पे दो फंक्शन है, पहला तो एक थ्री एक्स खुद का फंक्शन है और एक साइन है, ठीक है, तो दो फंक्शन है, पहला तो पूरा एक साइन थ्री एक्स है और दूसरा क्या है थ्री एक्स है, ठीक है, तो पहला साइन थ्री एक्स कर लेते हैं इंटीग्रेशन, क्या करेंगे साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा माइनस कॉस थ्री एक्स होगा ना, और अपॉन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन दैट मीन डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस थ्री कॉट एक्स प्लस, अब थ्री एक्स क्या हो जाएगा थ्री बाहर आएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन है ना, तो टू बाई बोल सकते हैं कि टू बाई थ्री, यहां पे देख लो आप कि यहां पे प्लस टू बाई थ्री एंड माइनस कॉस थ्री एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स एंड प्लस होल सी, दिस इज योर टोटल इंटीग्रेशन है ना, यानी कि माइनस थ्री कॉट एक्स माइनस टू बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस सी, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो मेरी बात समझिए जिन चीज का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस चीज को वही चीज बस वेरी करेगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी कॉन्स्टेंट होती है, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बट ये सारी चीजें ऊपर क्या दिख रही है डी एक्स के फॉर्म में तो है नहीं, डी एक्स पे वेरी करेगा नहीं है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, ठीक है ना, हम इसको घटा बढ़ा रहे हैं डी एक्स को बस, तो टेकिंग जी एम वन एम टू आउटसाइड बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट
and in the integral form there is a 1 by x square into dx. अब इसका log से नहीं करेंगे, log से तभी करते हैं जब x inverse में हो या फिर 1 by x में हो. ये 1 by x नहीं है और ना ही x inverse, इसको कैसे करेंगे, x power n से. तो g m1 m2 integral of x to the power minus 2 into dx. ठीक है, चलते हैं. तो g m1 m2 इंटीग्रल ऑफ x टू पावर माइनस टू विच इज इक्वल्स टू, जो क्या होगा, x टू पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन एंड प्लस फोर सी, है ना, ये हो जाएगा आपका. तो g m1 m2 अपॉन x टू पावर क्या हो गया, माइनस वन हो गया अपॉन माइनस वन हो गया. ठीक है जी, ब्रैकेट के बाहर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, है ना. तो इधर ले लो आप, तो क्या हो जाएगा, जी एम वन एम टू, तो जी एम वन एम टू एंड माइनस, तो माइनस लगा लीजिए आप, अपॉन ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स है तो एक्स हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया एंड प्लस सी, है ना. आप सी को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन बार बार बोलता हूँ शुरू से ही, और हमेशा सी को लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इसमें कोई लिमिट फिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना. अब जब लिमिट फिक्स हो जाएगी उस पर क्या करेंगे, वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे. इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा इंटीग्रेशन का, उसको हम रियलाइज करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. तब तक के लिए सारे क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद बताइए.